अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं बैठा हूँ कगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो आज वीडियो बनाने का मकसद यह था कि मैं आपको बता सकूँ कि युगांडा का जो वीज़ा है वो कैसे मिलता है, वीज़ा ऑन अराइवल है कि नहीं। अभी मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, अभी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके यहाँ से जब युगांडा पहुँचूँगा तो फिर आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्योंकि बाई रोड तो इनका बॉर्डर क्लोज था। तो मुझे ना वो ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की थी कि वीज़ा ऑन अराइवल है या नहीं है। वीज़ा तो मैंने लगवाने थे प्रिटोरिया से सर साउथ अफ्रीका से, तो वो मैसेज सारे बंद थी, इसलिए अब वीज़ा ऑन अराइवल ही लूँगा। तो अब मैं जाऊँगा जब युगांडा, तो वहाँ से जाके सारी सिचुएशन आपके साथ शेयर करूँगा कि वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, कैसे मिलता है, यहाँ पे भी मतलब के पैसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर वो वीज़ा हुआ जस्ट स्टैम्प वीज़ा हुआ तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो वीज़ा मिलता है इनका ईस्ट अफ्रीका वीज़ा, मैं वो लगवा लूँगा। अगर मुझे पता होता कि युगांडा का भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जस्ट वो स्टैम्प वाला वीज़ा है तो मैं फिर ईस्ट अफ्रीका वीज़ा यहाँ से ले लेता रवांडा से। लेकिन तब मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, क्योंकि जिनसे मैंने पूछा था वो कह रहे थे कि युगांडा का जो वीज़ा ना वो स्टिकर लगाते हैं अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो। अभी मैं पहुँचता हूँ तो जाके चेक करता हूँ, अगर जस्ट स्टैम्प वीज़ा हुआ तो उनको बोलूँगा, अगर वो पैसे भी लेंगे $50 तो उनको बोलूँगा भाई $100 ले लो तो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा लगा दो। उसमें ये होगा कि 90 days के लिए आप 3 countries में मल्टीपल आ जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कीनिया से रवांडा, रवांडा से युगांडा, युगांडा से कीनिया से आ जा सकते हो 90 days के लिए, वो वीज़ा वैलिड होता है। तो ये है कि ये एक्सटेंड नहीं होता, अगर आप सिंगल एंट्री लेते हो तो एक्सटेंड हो जाता है, ये एक्सटेंड नहीं होता, ये सिर्फ 90 days के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कीनिया का सिंगल एंट्री वीज़ा लेते हो एयरपोर्ट से, तो आप जब तंजानिया जाना हो तो आप तंजानिया का वीज़ा लेके तंजानिया जाओ, जब वहाँ से वापस आना हो तो आप उसी वीज़े पे कीनिया के सिंगल एंट्री वीज़े पे दोबारा आ सकते हैं, वो आपको फिर दोबारा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ईस्ट अफ्रीका वीज़ा है तो आप जब कीनिया से निकल के तंजानिया जाओगे तो उसी वक्त वो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दोबारा वापस कीनिया आना चाहते हो उसके लिए फिर आपको दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा, वो बेशक आप सिंगल एंट्री बाद में ले लें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं थी बनाई कि जब मैं घूम रहा था किगाली में तो ये रास्ते कुछ ना पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा ऊपर नीचे जाने के लिए, तो वहाँ पे एक जगह जगह पे पुलिस होती है, तो मैंने वहाँ पे मास्क उतारा, थोड़ा सा नीचे किया से ऐसे नोज़ पे किया हुआ था, क्योंकि जब आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा मुझे सांस मेरी फूली होती है, उसकी वजह यही है कि जब मुंह पे और नोज़ दोनों पे हो मास्क और बंदा चल रहा हो तो सांस जल्दी चढ़ता है, तो जब सिर्फ नोज़ से नीचे कर लें तो सांस नहीं चढ़ता ना। तो फिर इस वजह से कुछ मैंने ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया, तो मैंने थोड़ा सा नोज़ से नीचे किया था तो उसी वक्त मुझे पुलिस वाले ने खड़ा कर लिया। तो तकरीबन 10-15 minutes वो मुझे समझाता रहा कि कोई वायरस है, ये है, वो है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसके बाद कहा यार छोड़ो यार। वैसे भी जितने भी देखने वाले यहाँ पे पॉइंट थे, यहाँ पे कोई इतने खास पॉइंट नहीं है, 3-4 points है, म्यूज़ियम है या कन्वेंशन सेंटर है, इस तरह की 2-3 things हैं बस, उसके अलावा कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे देखने वाली, तो वही देखने थे बस। तो वो वैसे कोरोना की वजह से वो बंद थे तो उनको बंद किया था, तो वहाँ मैं जा नहीं सकता। तो ओके, रवांडा का टूर मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है, इसकी तकरीबन 2-3 videos बनेंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें घूमा भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें खुली नहीं थी, बस मार्केट्स वगैरह ओपन थी तो उसका दिखाने का फ़ायदा नहीं था, जो चीज़ें पाकिस्तान में सेम होती हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पे महंगाई साउथ अफ्रीका से ज़्यादा है, ये भाई याद रखेगा, साउथ अफ्रीका इससे सस्ता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से 1-2 liters की बोतल जो होती है कोक की वो मिलती थी 200 की, पाकिस्तानी 200 की, लेकिन वो 20 cents हाँ 200 की मिलती थी। अगर यहाँ पे आप 1.5 liters की बोतल लोगे वो पाकिस्तानी 320 rupees की मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग आप खाने का फूड का भी देख लें तो फूड भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका के नस्बत महंगा है। तो इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं वहाँ पे युगांडा के एयरपोर्ट पे, तो फिर जाके आपको इंशाल्लाह फिर इन्फॉर्म करूँगा कि क्या बना वीज़े का, जब क्या सिचुएशन है। दोस्तों फाइनली बोर्डिंग हो गई है, तो सिंपल है यार, कोई इशू नहीं है। कोरोना टेस्ट उन्होंने चेक किया जो मैंने करवाया था यहाँ पे कगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करवाया था, तो उन्होंने उन्हें स्कैन किया, ठीक है ओके। अब आ गए अंदर तो यहाँ पे उन्होंने बस टिकट देखी है और पूछा कब आए हैं, बताया जस्ट एग्ज़िट की स्टैंप लगाई है। उनको पूछा था ईस्ट अफ्रीका वीज़ा का, वो कह रहे थे हम यहाँ से एग्ज़िट करते वक्त नहीं दे सकते, जब युगांडा जाएंगे वहाँ जा कर लगवा लीजिए, या फिर अब जब यहाँ आए थे तब लगवा लेते हैं। बोर्डिंग क्लियर हो गई है, वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे जाके युगांडा पे। एंटीबे उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो उनके कैपिटल से काफ़ी साइड पे हट गया है समुंदर के साथ, तो एंटीबे पे जाके एक रात वहाँ स्टे करूँगा, तो फिर नेक्स्ट डे कंपाला चला जाऊँगा।
इंशाल्लाह पहुँचता है युगांडा, फिर वहाँ की सिचुएशन आपसे शेयर करता हूँ कि वीज़ा ईजी था कि या फिर कोई वहाँ पे इशू बना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे फिर वहाँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 15 जनवरी, एक नए दिन का आगाज़ एक नई सुबह के साथ। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ इस टाइम इजिप्ट कायरो में। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो युगांडा में था तो यहाँ पे कैसे आ गया। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जब मैं युगांडा पहुँचा तो वहाँ पे ना थोड़ा सा इशू बना था वीज़ा को लेके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लोग जब भी आओ इन ईस्ट अफ्रीका में तो आप वीज़ा पहले लेके आओ। ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है, ईस्ट अफ्रीका वीज़ा वो लेके आओ। थोड़ा सा इशू बना था, आधा घंटा घंटा तक मेरी इन्वेस्टिगेशन चली, उसके बाद उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। तो लेकिन जब मैं बाहर निकला वहाँ से मैंने एक रात गुजारी, अगला दिन भी उधर गुजारा, तो वो बिल्कुल इस तरह जैसे गांव टाइप, और कोरोना की वजह से हर चीज़ बंद। तो मैंने सोचा कि यार पहले रुवांडा गया, वहाँ पे भी हर चीज़ बंद थी, यहाँ पे भी हर चीज़ बंद है, तो नैरोबी में भी ऐसा ही होगा कीनिया में। तो मैंने सोचा यार यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मेरा जो वैसे भी जो तुर्की शेयर लेने मैंने करवाई थी वहाँ से नैरोबी से यहाँ कायरो के लिए, तो उन्होंने किया यूँ कि मेरा टाइम थोड़ा सा कम कर दिया। तो मेरी टिकट थी 21 को और उन्होंने कर दी 24 को, और आगे मेरी 25 को टिकट थी यहाँ से वापसी पाकिस्तान की, तो वो मैं मैनेज नहीं था कर सकता। फिर मैंने किया यूँ कि फिर मैंने वो टिकट कैंसिल करवाई और जो टिकट थी वहाँ से युगांडा से यहाँ की करवा ली कायरो की। तो युगांडा से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती, फिर वहाँ से वो कोगाली लेके गए, वहाँ से फिर हमें यहाँ लेके आए। तो ये सारा सिस्टम था यहाँ आने का। और एक और चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, जब भी आप ईस्ट अफ्रीका में जाएँ तो वीज़ा पहले लेके जाएँ। ई वीज़ा मिल जाता है आराम से, 8-10 दिन लग जाते हैं, तीनों कंट्रियों का से ईस्ट अफ्रीका वीज़ा मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।